स्वागत करने के लिए और फूल मालाओं पहनने के लिए महिलाओं ने काफी उत्साह के साथ आ रही है और यहाँ के महिलाओं के पीछे काफी ज्यादा जोश है। आज दक्षिण डोला में यहाँ के वार्ड कमिश्नर लाडली खातून जो वार्ड कमिश्नर है और हमसे इन लोगों का वर्षों का रिलेशन है भूलन भाई के जमाने से। पंडित जी है, हाँ पंडित जी, इन लोगों ने हमें शानदार स्वागत किया और हम इन लोगों को अपने तरफ से चले जाए, अभी तोलने का भी काम बाकी है, चाचा को चावल से तोलना बाकी है, समर्थन दिया। पंडित जी के बारे में क्या कुछ कहेंगे? बढ़िया, बहुत बढ़िया क्रिकेटर है, बहुत बढ़िया सामाजिक कार्यकर्ता है, अच्छे तरीके से काम करते हैं, सोच भी अच्छा है, सामाजिक लोगों को ज्यादा मदद करते हैं। स्वागत किए ढोल नगारा के साथ, असम नगारा और ढोल से स्वागत किए हैं। चले चलिए चलते हैं, चलिए देख सकते हैं कि स्वागत क्या करिएगा, तरीके से स्वागत हमने किया है, क्या करिएगा। आप देख सकते हैं ये है दक्षिण डोला का इलाका और ये महागठबंधन के हावी प्रत्याशी हैं, सांसद के उम्मीदवार हैं और इनके स्वागत में पूरा दक्षिण डोला उमड़ चुका है जन सैलाबों के साथ। थोड़ा पीछे खाने Thank you.
सबसे अधिक अगर बात करें तो सबसे अधिक मुस्लिम भाई वो यहाँ मौजूद आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर, ये मोहम्मद कैफ और बंटी भैया हैं। वो अपने मोहल्ले में काफी ज्यादा ये लाइव तस्वीर दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ देखिए एक छोटा बच्चा है और गुलाब देकर सम्मानित किया है। और देखिए मोहम्मद कैफ और बंटी भैया पीछे हैं, किस तरह का रिजल्ट होता है। और देखिए मोहम्मद कैफ और बंटी के सहयोगियों ने ये जीत का माला पहनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये लाइव तस्वीर में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं बहुत सा बड़ा है ये माला, ये जीत की खुशी है और जीत का माला है। देख सकते हैं ये सब मुस्लिम समाज के लोग हैं। कुछ लोगों का कहना था कि मुस्लिम समाज महागठबंधन के साथ नहीं है, लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि मुस्लिम समाज के लोग भी महागठबंधन के साथ है। ये तस्वीरों के साथ देखिए, शुक्रिया। ठीक ठीक नहीं आ रहा अभी यार, कौनी सा पीछे है, सब लोग क्या जाओ कौनी सा। बारिश हो रही है, माले पहनाए जा रहे हैं, तो हमको खुशी नहीं होगी तो किसको खुशी होगी। जब फूल बरसाया जा रहा है तो मेरे अंदर कोई गुण है, अच्छा गुण है, तभी तो हमको पसंद है कि फूल बना रहे हैं और सभी हमारा स्वागत कर रहे हैं, तो हमारा हमको खुशी क्यों नहीं होगी। ये तो किसी को खुशी होगी। और यह जो है जो फूल के माला मेरे चेहरे को देखकर नहीं किया जा रहा है, मेरे सदियों और बहुत पहले से जो मेरे अच्छाई है, मेरे अच्छाई को देखते हुए इन लोगों ने फूल के वर्षा किया और माला पहनाना आदर देने का था। 15 सालों तक जो विकास में पिछड़ गया है सिवान, क्या इसमें आपकी कोई सत्यता लगती है, क्या यह सच्चाई है? 15 बरस पिछड़ा हुआ है तो हमको लोग बनाएंगे, तो जितना पिछड़ा हुआ है, जहाँ विकास रुका हुआ है, वहाँ से मेहनत करके और आगे गति देंगे और जो विकास रुका हुआ है उसको चालू करेंगे। इंडिया अलायंस का या आपकी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो पूरे राज्य और देश के लिए है, आपका सिवान के लिए क्या मैनिफेस्टो है? मैनिफेस्टो पूरे देश के लिए बनता है। नहीं, आप सिवान से हैं तो सिवान के लिए विशेष कार्य जो आपके तरफ से किए जाएंगे, मैनिफेस्टो में जो बात है उसको सिवान में हम लागू करेंगे। 1 करोड़ नौजवान पढ़े लिखे हैं उनको प्रति वर्ष नौकरी देना है, 1 लाख रुपया महिलाओं के आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए देना है, ओल्ड एज पेंशन जो पुराने नौकरी रिटायर करते थे उसको दिलवाना है, साथ ही साथ किसानों के जो मूल्य है निर्धारण करना है, बाजार के व्यवसायियों पर जो ये आपका GST है उसमें जो तंग दबा है उसमें सुधार करना है। शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे, यहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं है, 5-5 साल लग जाते हैं ग्रेजुएशन में बच्चों को। ये जो है शिक्षा में सुधार करना हमारी प्राथमिकता होगी। ये जो लेट से परीक्षा होता है, लेट से रिजल्ट निकलता है, यहाँ के छात्र सफल कर जाते हैं और जगहों पर एडमिशन लेने में, हम संघर्ष करेंगे और इस जो कुव्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हम छात्रों के लिए छात्राएं के लिए मैं काम करूँ। यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ेगा या यहीं पर कुछ रोजगार का अवसर बनेगा? मैंने कहा कि जो पढ़े लिखे जो हमारे बेरोजगार हैं उनको तो मैंने कहा 1 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष देने का व्यवस्था किया गया है हमारे मैनिफेस्टो में। और यहाँ पर भी हम उद्योग धंधे लगा करके हम अगर हमारी सरकार बनती है
तो हम कोशिश करेंगे या हम संघर्ष करेंगे एमपी बनने के बाद इस सीवान के रोजगार के लिए या उद्योग का मतलब स्थापना हो और इसके लिए हम लड़ाई। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि सिसवन ढाला पर हमारा सर्वप्रथम काम होगा ब्रिज या अंडरपास का निर्माण करना। आप पहले भी विधायक रह चुके हैं, कई बार अभी वर्तमान में भी विधायक हैं, स्पीकर रह चुके हैं सदन के, तो आपको उस वक्त याद नहीं आया? एक बात आपको बता दें, सिसवन ढाला ऑलरेडी मैं पास करा दिया हूँ। उसमें नियम है कि 100 रुपया खर्च होगा तो 50 रुपया राज्य सरकार को देना है, अब 50 रुपया भारत सरकार को देना है। तब 50 रुपया राज्य सरकार से मैंने स्टेट से रिलीज करा करके और रेलवे मोड में उछला गया है थ्रो जीएम गोरख। अब वो सेंट्रल शेयर रिलीज करेंगे तो पुल निर्माण निगम बिहार पटना एजेंसी है काम हो जाएगा। अब वहाँ जाकर लंबित पड़ा हुआ है, हम भिजवा दिए हैं, गोरखपुर में मीटिंग भी किए थे स्पीकर होकर के। तो सिसवन ढाला प्राथमिकता है, उसको कराना नहीं है, वो हो गया है, खाली सेंटर पैसा अपना शेयर दे दे, परसों से काम लग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने हमारे सवाल पर बिल्कुल मुखर होकर जवाब दिया और हर तरह की बातों का, सवालों का जवाब दिया, रोजगार चाहे वो रोजगार को लेकर हो, चाहे शिक्षा को लेकर हो, या तो सिसवन ढाला पर ब्रिज बनाने को लेकर हो। ये जो महिला लोग हैं पर समय समय से महिला लोगों के संगठन को मुस्तैदी से करने के लिए सीमांत जिला महिला सेल के आपको उपाध्यक्ष बनाने के लिए संगठन आपको उपाध्यक्ष बनाई गई है महिला सेल के सीमांत जिला। आपको धन्यवाद। राजी खातून जिंदाबाद, राजी खातून जिंदाबाद, राजी खातून जिंदाबाद। महिलाओं को संगठन बनाएगी और महिलाओं को ज्यादा सशक्तिकरण करने में ये वार्ड साइड जब उतर रहा सुनने तो चाचा बोले बंटी बाबू। हाँ हाँ सुनिए काम बहने आई बहने आई दादा बहने का जल। हाँ पहला।